हेलो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आपको क्रिकेट का जो मैच है फैनको ई सी एस ट्रीटन सीचर रिपब्लिक का पी आर एस वर्सेस पी आर ए टी का प्रैग्यू स्पाटन वर्सेज प्रेग्यू टाइगर्स का उसके बारे में ए टू जेड डिटेल्स बताऊंगा मेगा कॉन्टेस्ट है एटी फाइव लैक का तो डेफिनेटली आपको टीम्स भी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है चाहे आप रियल इलेवन में लगाओ उस टीम को चाहे आप ड्रीम इलेवन में लगाओ प्रॉफिट आपको दोनों तरीके से देखने को मिलेगा बट रियल इलेवन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके टीम्स क्लैश होने के वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगर ड्रीम इलेवन पर आप खेलते हो तो आपके क्लैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बट अगर आप रियल एलेवन पर खेलते तो वहीं आपकी क्लैश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि देखो यार सिलेक्शन के बेस पर वहां लोग टीम बनाते हैं और सिलेक्शन बहुत ही अपोजिट जाता है अपोजिट अकॉर्डिंग टू ड्रीम इलेवन तो आप पूरा ई टू जेड -जा डिटेल्स जाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी प्रैगो स्पार्टर्स वर्सेस प्रैगो टाइगर्स के बीच ये मैच है टी टेन का मैच कितना रॉकिंग जा रहा है और फुटबॉल का मैच कितना रॉकिंग जा रहा है आप हमारे पुराने मेंबर्स हैं तो आपको पता ही चल गया होगा बट डेफिनेटली ये वाला मैच भी आपको बहुत ही ज्यादा रॉकिंग जाते हुए नजर आएगा आपसे रिक्वेस्ट है भाई जिन लोग टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लो और जिन लोग ज्वाइन हो उन लोग से रिक्वेस्ट है भाई आप लोग लेफ्ट मत हो डिमोटिवेशन होता है बट डेफिनेटली आपके लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी खा से विनिंग्स टीम प्रोवाइड करें डेफिनेटली देखो यार जब आपका एक बार प्रॉफिट हो जाए ना तो ज्यादा आपको किसी मैच में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एक टारगेट बनाकर चलो कि एक दिन में आपका सौ का प्रॉफिट हो जाए तो महीने का तीन हजार इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप इजी तरीके से हर मंथ अर्निंग कर पाओगे और अपने पॉकेट मनी इजिली तरीके से अर्न कर सकते हो ड्रीम इलेवन की मदद से ही बट देखो यार मेरा ज्यादातर रिकमेंडेशन रहता है आप एक मैच में प्रॉफिट कर लिए ना दूसरे मैच में आप इन्वेस्टमेंट एकदम लो रखो ना के बराबर ही रखो मत खेलो तो ज्यादा ही अच्छा है

मैच में क्या करते हैं हाई इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके कारण उनका लॉस हो जाता है बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से इस बार की बिल्कुल आप लोग हाई इन्वेस्ट मत की जगह बिना पूछे और डेफिनेटली आप लोग के लिए भाई एक से एक वीडियो लाते रहते हैं और वीडियो जिसकी बनती है उसकी टीम दमदार मिलती है टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि जो कुछ भी फास्ट एंड फाइनल अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा तो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लो और चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैच का आपको एनालिसिस करना प्लस आपको ई एस एस से डिटेल्स बताऊंगा जो प्लेयर्स का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा कम है बट वो आपके लिए डिफरेंशियल पिक के लिए बहुत बहुत ही कामकार साबित होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको मैं विकेट कीपर सेक्शन से दिखा देता हूं ऑप्शन आपको दो मिल जाएंगे मेनली बाकी जो तीन ऑप्शन है वो आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे आप तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो ये जो तीन है ये आपके लिए ऑप्शनल है तीनों में से किसी एक को भी पे के लिए ट्राई कर सकते हो बट ज्यादातर बेस्ट ऑप्शन मेरा पी आर एस के तरफ से वी मेहता रहेगा मैच मतलब एनालिसिस आप देखते रहिए लास्ट में आपको पता चल जाएगा पी आर एस की टीम अच्छी है या पीआरटी की टीम अच्छी है रिकॉर्ड और एनालिसिस के बेस पर एक बेस्ट टीम क्रिएट कर रहा हो बैटिंग लाइनअप आपको साथ में बताते चलूंगा प्लेयर्स के कितने नंबर पर आपको

दिखेंगे एम हसन आपको दिख सकते हैं टी हसन है, अगर इनके रिकॉर्ड की बात करो तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है आपको करीब चौथे नंबर पर बैटिंग कराते हुए डेफिनेटली नजर आ ही जाएंगे अब चलिए इसी सीरीज़ में बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर बताते चल रहा हूँ साथ में तो नोट करते जाइएगा या फिर दिमाग में अपने एक अरेंज करते जाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए टी हसन अगर खेलते हुए दिखते हैं तो ट्राइबल रहेंगे टनीम अगर खेलते हुए दिखते हैं तो ट्राइबल रहेंगे वी मेहता और हसाम के साथ आप बहुत लोग जा रहे हैं बट सेफेस्ट ऑप्शन में वी मेहता के ही साथ जाइएगा क्या पता अगर ज़्यादा पॉइंट दे दे तो डिफ्रेंसियल पिक का काम कर सकता है आपके लिए ठीक है तो ट्राई कर लेजिएगा बाकी मिनी जेल का पिक मैंने ऑलरेडी विकेट कीपर सेक्शन से क्लियर कर दिया आप लोग को बात करते हैं अगर मैं बॉलिंग सेक्शन से

तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे उनके साथ चले जाएंगे। बाकी आप सेफेस्ट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी ही दिया है अगर उससे भी आपको सेफ जाना है तो रासल मियाँ के साथ जा सकते हो वरना आप इधर से फिर आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन आ जाता है उनके साथ चले जाइएगा एक मिनट मैं पिक कर लेता हूँ फिर आपके उसको क्लियर कर देता हूँ दर से पेनेट भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टन के भी आपको अच्छे खासा पॉइंट्स भी देते हुए नजर आएंगे बॉलिंग सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से भी तो ट्राई कर लीजिएगा वी मेहता आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेफेस्ट में रिस्की में आपके लिए फिर नीचे टी हसन आ जाते हैं अगर खेलते हुए दिखते हैं तो ये ट्राई कीजिएगा मैंने सभी प्लेयर्स का ओवरऑल स्पोर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया है कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं एम शहादत हुसैन को एज अ कैप्टन ट्राई कीजिएगा इस वाले मैच में क्योंकि मेरा रिकॉर्ड जो बोल रहा है वो फर्स्ट वाले मैच में फ्लॉप जाएंगे लेकिन सेकंड वाले मैच में वापस कम करते हुए आपको दिख सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा एज अ वाइस

करीब चौथे या छठे नंबर पे आपको बैटिंग कराते हुए दिखेंगे उसके बाद तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनका मैंने बॉलिंग ऑर्डर कंप्लीट कर ही दिया है तो मेरा जो फाइनल टीम है वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन दे दिए हैं प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा ये भी आपको क्लियर कर दिया है और फाइनल टीम कहां मिलेगी आपको ये भी मैंने बता दिया है एक बार वापस बता दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लेंगे उन्हें क्लिक करके तुरंत से ज्वाइन कर लीजिएगा फास्ट एंड फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ